अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला हम सबको अच्छी सेहत से नवाजे। आज आपके सामने मैं शैतान का लगना, जिन का लगना या जादू टोना या फिर आसेब या फिर साया सपटा या परियों का लगना, जो भी अल्फाज आप सुनते हैं इस किस्म के, उसके मुतालिक मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मालूम होना चाहिए अज़ल से इंसान का दुश्मन रहा है शैतान, मगर जिन लोगों को ये बीमारी ये परेशानी आ जाती है वो लोग सिर्फ यही सोचते हैं कि उनको शैतान लग गया है या फिर उनको कोई करा रहे हैं या फिर उन पर जादू का असर हुआ है या फिर रास्ते की बला लग गई है या फिर कुछ जिन्नों का परियों का साया हुआ है। मुख्तसर ये कि इस नाम से ख़ास तौर पे इस बीमारी से औरतें, नौजवान लड़कियां और कुछ नौजवान अफराद भी इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। आपको मैं आज एक बहुत बड़ी हकीकत बताने जा रहा हूँ, ऐसी बीमारी जिसको रूहानी बीमारी कहते हैं। इसके मुतालिक बहुत सही तशख़ीस, बहुत सही इलाज करने वाले की अशद ज़रूरत होती है। हम अक्सर क्या करते हैं, इस मसले को लेकर जहाँ पे इनको रास्ता नज़र आता है जिसके पास जाते हैं, इलाज के लिए रुजू होते हैं, जल्द से इलाज नहीं हो पाता। उसकी वजह यह है कि लोग सिर्फ तावीज़, पलीते वगैरह देकर और मसले को गंभीर कर देते हैं और ये मर्ज़ पुराना हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह खानकाह जिलानिया में सबसे पहली चीज़ मुराक़बा कराया जाता है। मुराक़बा को आप मेडिटेशन कह सकते हैं, योगा भी कहते हैं, मेडिटेशन भी कहते हैं, मुराक़बा भी कहते हैं, जिससे इंसान की दिमागी सलाहियत बहुत ख़ास सी अच्छी हो जाती है और रूहानी तरक्की भी हो जाती है, रूहानी बीमारियाँ भी ख़त्म हो जाते हैं। साथों साथ कुछ हमदर्द की दवाएं, यूनानी दवाएं देकर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ही दिनों में मुकम्मल सेहत उसको हासिल हो जाती है। यहाँ पर खानकाह जिलानिया में रूहानी तरबियत और रूहानी मश्क के ज़रिए, मुराक़बा एक रूहानी कोर्स है। चुनाचे मेरे तजुर्बे में है, जो लोग सालों से बीमार हैं, परेशान हाल हैं इस मसले को लेकर, सिर्फ एक हफ्ते के अंदर बाहर उनको सेहत हासिल हो गई है। जो सालों से यहाँ वहाँ चक्करें काट रहे थे, बोले हमको परियां नज़र आ रहे हैं, साया नज़र आ रहा है और चीखम पुकार करना, गैब से कानों में आवाज़ें सुनाई देना, सूरतें नज़र आना, हौल, घबराहट, बेचैनी का होना, कमर, हाथा पैरों का दर्द होना, ऐसी चीज़ को लेकर हम बहुत परेशान हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह घबराइए नहीं, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। सही तौर पर अगर इलाज हो जाए मुराक़बा के ज़रिए, मेडिटेशन या योगा के ज़रिए, जो रूहानी तरीक़ा है, एक रूहानी मश्क है, साथ में यूनानी दवाएं हैं जो हमारी ख़ानदानी दवाएं हैं और कुछ हमदर्द की दवाएं हैं, एक हफ्ते के अंदर पुराने से पुराने असरात, पुराने से पुराने जादू टोने, भानामती, ये सब ख़त्म हो जाते हैं। मुराक़बा क्या है मैं आपको बताता हूँ। आप इस मुराक़बे को अपने घर पे कर सकते हैं, हमारी इजाज़त की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने तौर पे मुराक़बा कर सकते हैं। साथों साथ अगर तरबियत में रहें तो मुराक़बे का बहुत ख़ास फ़ायदा हासिल होता है। ये जो कहा जाता है कि इजाज़त के बगैर कुछ नहीं करना चाहिए, ये बात तो ठीक है, मगर बग़ैर इजाज़त के भी अगर आप कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। मुराक़बा रोज़ाना 5 मिनट, सांस जब अंदर लें तो अल्लाह, सांस जब बाहर छोड़ें तो हु, दिल ही दिल में। मैं आपको तरीक़ा बता रहा हूँ। सांस जब अंदर लें, आँख बंद है, मुंह बंद है, बैठे हुए हैं और आप दिल ही दिल में पढ़ रहे हैं। सांस जब अंदर लें तो अल्लाह, सांस जब बाहर छोड़ें तो हु। इसको आप सुबह, दोपहर, शाम सिर्फ 4-5 मिनट करते हैं तो आपके अंदर, दिमाग में, आपके दिल में इतनी अच्छी कैफियत जाहिर होती है। ये पुराने से पुराना आपका ये जिन वाला मसला, ये भानामती वाला मसला, ये घबराहट, बेचैनी का मसला, नींद का ना होना, ये सब ख़त्म हो जाते हैं। साथों साथ कुछ हमारी दवाएं हैं जो यूनानी दवाएं हैं, अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सालों का मसला 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाता है। बहरहाल आप तमाम से हमारी गुजारिश है कि आप अपनी कीमती ज़िंदगी को जाहिलों के पीछे ज़ाया मत कीजिए। सही तशख़ीस ही सही इलाज होता है, सही तशख़ीस ही सही इलाज होता है। अल्लाह करे कि अल्लाह हमारे नौजवानों की और हमारी माँ बहनों की, हमारे बड़ों की, अल्लाह सब की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।